हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड क्रिएटिविटी विद शिप्रा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ क्लींजिंग मिल्क। घर पे ही उपलब्ध सामान से हम कैसे क्लींजिंग मिल्क बना सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है चावल आटा, इसका मैंने घर पर ही तैयार किया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो मैदे का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। यहाँ पे मैं एक चम्मच के लगभग दही ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो हम दही को भी इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दही और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें लगभग 2 चम्मच दूध ऐड कर देंगे और दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दूध मिक्स करने के बाद हम इसमें गुलाब जल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं हो तो आप सिंपल पानी का भी, सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच के लगभग पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो बस तैयार है हमारा क्लींजिंग मिल्क, बिना पैसे खर्च किए और बिल्कुल केमिकल फ्री क्लींजिंग मिल्क हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे अप्लाई करना भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैं हाथ पे अप्लाई करके बता रही हूँ, आप इसे इसी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फेस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे अपना मेकअप हटा सकते हैं और चेहरे पर जो धूल मिट्टी है उसे भी हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे 2 से 3 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।